नमस्कार दोस्तों, आज आपको बताऊंगा कि कैसे आप GSTR 1 फाइल करेंगे नॉर्मल केस में, मतलब जब टैक्स पेयर नॉर्मल हो। इससे पहले मैं बता चुका हूं कि ई इनवॉइस का केस हो जिसके ऊपर ई इनवॉइस एप्लीकेबल है तो कैसे वो टेलीप्राइम से GSTR 1 फाइल कर सकता है। उस वीडियो को अगर आप देखना चाहते हैं तो चैनल पे ऑलरेडी अपलोड है, जाके देख सकते हैं, या फिर उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ई इनवॉइस के केस में R1 अलग तरीके से फाइल होती है और नॉर्मल केस में GSTR 1 अलग तरीके से फाइल होती है टेलीप्राइम से। आज की वीडियो में समझेंगे कि कैसे आप नॉर्मल केस के अंदर GSTR 1 को फाइल करेंगे। सबसे पहले जाएंगे डिस्प्ले में, फिर उसके बाद जाएंगे यहाँ पे GST रिपोर्ट में। GST रिपोर्ट में जाने के बाद यहाँ से GSTR 1 में चलेंगे और यहाँ पे मई मंथ की GSTR 1 को फाइल करने वाला हूँ मैं, तो यहाँ से सेलेक्ट करूँगा मई। मई का जो महीना है वो सेलेक्ट करना पड़ेगा, ये कर लिया हम लोगों ने। इसके बाद आपको क्या करना है दोस्तों, सबसे पहले R1 फाइल करने से पहले आपको इसके अंदर गलतियां देखनी है कि कोई मिस्टेक तो नहीं कर रखा है। देखो यहाँ पे अनसर्टेन ट्रांजेक्शन में आपको दिखता है करेक्शन नीडेड के अंदर, अगर कोई मिस्टेक होगा तो आपको यहाँ पे दिख जाएगा, जैसे कि मेरे केस में देख सकते हैं नहीं है। एक बात का और ख़ास ध्यान रखना, अगर आप टेली प्राइम से GSTR 1 फाइल कर रहे हो, यहाँ से आपने अगर एक बार एक्सपोर्ट कर ली रिपोर्ट GSTR 1 की, ज्यूएसएन फाइल एक्सपोर्ट कर ली, तो दोबारा एक्सपोर्ट नहीं कर पाओगे बीटा वर्जन में 3.0 के अंदर, रिलीज 3.0 में। तो बड़े ही ध्यान से करना पड़ेगा, जैसे GST पोर्टल पे एक बार रिटर्न फाइल होगी तो एडिट नहीं कर सकते, इसी प्रकार से एक बार ज्यूएसएन फाइल एक्सपोर्ट हो गई तो दोबारा एक्सपोर्ट नहीं कर सकते। कोई भी गलती हो पहले ही देख के ठीक कर लो उसको, जैसे कि मैंने बताया अनसर्टेन ट्रांजेक्शन में देख के कर लोगे सही। दूसरी जो मिस्टेक हम लोग कर देते हैं जनरली एचएसएन कोड में कर देते हैं, और एचएसएन कोड के कारण कई बार एरर भी हो जाता है, और एरर हो गया आपने दोबारा कोशिश करी यहाँ से ज्यूएसएन फाइल एक्सपोर्ट करने की तो एक्सपोर्ट होगा ही नहीं एरर को ठीक करने के बाद। तो पहले ही आपको देखना होगा कि क्या आप करेक्ट एचएसएन कोड रिपोर्ट कर रहे हैं या नहीं। इसके लिए HSN समरी में जाओ, यहाँ पे देखो गुड्स का केस है तो 6 डिजिट या 8 डिजिट HSN कोड रिपोर्ट कर रहे हो या नहीं, और सर्विस के केस में 6 डिजिट HSN कोड होना चाहिए। जैसे कि मेरे केस में एक सिंगल गुड्स है और उसका जो 8 डिजिट HSN कोड मैंने दिखा रखा है। इसके बाद डॉक्यूमेंट समरी देख लेना, डॉक्यूमेंट समरी प्रॉपर है कि नहीं, डॉक्यूमेंट समरी भी हमारा ठीक है। ये सब चेक करने के बाद आपको GSTR 1 फाइल करना है, इसके लिए चलेंगे GST पोर्टल पे। चलिए मैं आपको बताता हूँ कैसे करना होगा, पहले GST पोर्टल पे लॉगिन कर लेते हैं। दोस्तों ये मैंने कर लिया GST पोर्टल पे लॉगिन। लॉगिन करने के बाद रिटर्न डैशबोर्ड पे आएंगे, और रिटर्न डैशबोर्ड पे आने के बाद टैक्स पीरियड सेलेक्ट करना पड़ेगा, मई मंथ सेलेक्ट कर लिया, सर्च पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे हम लोग GSTN फाइल को अपलोड करने वाले हैं तो प्रिपेयर ऑफलाइन पे जाएंगे और टैली से यहाँ से एक्सपोर्ट करेंगे ज्यूएसएन फाइल। एक्सपोर्ट करने का तरीका भी बदल गया है इस रिलीज़ के अंदर, नए तरीके से करना होगा। सबसे पहले एक्सपोर्ट पे जाओगे और यहाँ से जाओगे GST रिटर्न में, ठीक है। अब देखो इस तरह से आपको समरी दिखाएगा एक्सपोर्ट की, जो आप एक्सपोर्ट करने वाले हो ज्यूएसएन फाइल को। तो रजिस्टर्ड इनवॉइस तो ये दिखा दिया इसने कि ये पार्टी है और ये डेट है, ये इनवॉइस नंबर है। साथ ही में इसने B2C सेल, जैसे दिल्ली की सेल है हमारी B2C सेल, उसके लिए स्टेट वाइज सेल दिखा दिया इसने। ये बोल रहा है HSN समरी है और ये है डॉक्यूमेंट समरी, मतलब B2B सेल B2C सेल अलग अलग इसने दिखा दिया है, लेकिन उसको इस फॉर्मेट में इसने दिखाया है कि B2B आपकी इस प्रकार से पार्टी नेम और इनवॉइस नंबर वाइज आएगा, B2C स्टेट वाइज आ जाएगी, फिर HSN देन डॉक्यूमेंट समरी, ठीक है। उसके बाद करना क्या होगा, एक्सपोर्ट पे क्लिक करना होगा, कॉन्फ़िगरेशन में जाना होगा और यहाँ से सेलेक्ट करेंगे लोकेशन जहाँ हम फाइल सेव करना चाहते हैं। चलिए सेलेक्ट कर लेते हैं लोकेशन। सो दोस्तों यहाँ से लोकेशन कॉपी कर लिया मैंने, उसके बाद यहाँ पे पेस्ट कर दिया, एंटर करेंगे और ये लोकेशन हमारी पेस्ट हो चुकी है। अभी एक्सपोर्ट फाइल पे क्लिक करूँगा, एक बार फिर से बता रहा हूँ, एक बार आपने ज्यूएसएन फाइल एक्सपोर्ट कर दी दोबारा नहीं कर पाओगे इस रिलीज़ के अंदर, तो बड़े ध्यान से करना, एक्सपोर्ट करते वक्त जल्दीबाजी मत करना, गलती मत करना।
देखो मैंने यहाँ पे एक्सपोर्ट हर एक सेक्शन को अलग अलग कर रखा है। जब आप एक्सपोर्ट करते हो तो वहाँ पे वो ऑप्शन कॉन्फ़िगरेशन बन के आता है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे ही मैं दोबारा एक्सपोर्ट पे क्लिक करूँगा ये एक्सपोर्ट नहीं करेगा क्योंकि ऑलरेडी सारे डॉक्यूमेंट को एक्सपोर्ट कर चुका है। ठीक है, अभी क्या करना होगा, जीएसटी पोर्टल पे जाएंगे और जितने भी हमने फाइलों को एक्सपोर्ट किया है उसे अपलोड करेंगे। पहले B2B है, ये कोई मिस्टेक नहीं है, B2B में कोई एरर नहीं है। B2C आ जाते हैं, B2C भी प्रोसेस हो गया। यहाँ से HSN कोड है, ये भी ओके हो गया। हो सकता है कि आपकी JSON फाइल एक सिंगल फाइल हो, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने F12 में एक ऑप्शन होता है एक्सपोर्ट ईच सेक्शन वाले को यस कर दिया था, इसलिए हर सेक्शन को अलग अलग कर दिया है। उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, सारे सेक्शन अपलोड हो गए हमारे। चलिए देखते हैं एक बार, प्रिपेयर ऑनलाइन पे जाएंगे। देखो 11 इनवॉइसेस B2B का आ गया, एक B2C का हो गया, एक एचेशन, एक डॉक्यूमेंट, लगभग सब कुछ ओके। जनरेट समरी पे क्लिक करेंगे, यहाँ से रिफ्रेश करेंगे, प्रोसीड टू फाइल पे जाएंगे और यहाँ से समरी देख लेते हैं एक बार। तो टैक्सेबल वैल्यू ये हो गई 98,350, ठीक है। टैक्स 17,703 का है, ओके है। नीचे आओगे, नीचे आ जाओ B2C में, ये देखो 47,30 टैक्सेबल, COS हो गया 425, 425। और नीचे आ जाओ, और नीचे आके HSN देख लेते हैं, 103,080, ठीक है। टैक्सेबल हो गया 17,703, IGST और CGST IGST हो गया 425, 425। तो ये तो हो गया भाई ओके, हमारी R1 की जो समरी आ रही है वो ठीक है, ओके है। अभी फाइल स्टेटमेंट पे जाएंगे और उसके बाद यहाँ से सेलेक्ट करेंगे फाइल को, ये सेलेक्ट कर लिया ऑथराइज सिग्नेचरी को और मैं इसको फाइल करने वाला हूँ, EVC के थ्रू फाइल करेंगे। अब जो OTP आएगा वो लिख लेते हैं। चलिए सर, दोस्तों ये हम लोगों ने OTP से वेरीफाई कर दिया और रिटर्न हमारी GSTR ओके हो गई है। ऐसे आपको GSTR1 फाइल करना है न्यू रिलीज टेली प्राइम से। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।